क्या आपको पता है जहादीद ने एक रेलवे स्टेशन भी डिजाइन किया था? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे जहादीद के द्वारा डिजाइन किए गए 11 ऐसे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला, 520 वेस्ट 28th स्ट्रीट, जिसे जहादीद बिल्डिंग भी बुलाया जाता है। यह न्यूयॉर्क में है, जिसे 2014 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2017 में बनकर कंप्लीट हुई थी। साथ ही ये उनके मरने से पहले की अंतिम प्रोजेक्ट्स में से एक है। दूसरा, नेपल्स एफ्रागोला, ये एक रेलवे स्टेशन है जो नेपल्स के पास इटली में है, जिसे 2015 में बनाना शुरू किया गया था और ये 2017 में ओपन हुई थी, जिसकी लागत लगभग 513 करोड़ रुपए थी। तीसरा, बर्गाइजल स्की जंप, ये एक स्की जंपिंग हिल है जिसमें लोग स्की पहनकर ऊपर से नीचे स्लाइड करके लॉन्गेस्ट जंप करने की कोशिश करते हैं। यह बर्गाइजल ऑस्ट्रिया में है, जिसे 2001 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2002 में बनकर कंप्लीट हुई थी, जिसमें लगभग 136 करोड़ रुपए लग गए थे। चौथा, सलर्नो हार्बर स्टेशन, ये एक बंदरगाह है जो नेपाल से इटली में है, जिसे 2005 में बनाना स्टार्ट किया गया था और यह 2016 में बनकर कंप्लीट हुई थी, जिसकी लागत लगभग 126 करोड़ रुपए थी। पांचवा, ग्रैंड रबैत थिएटर, ये एक एम्फी थिएटर है जिसे रबैत मोरक्को में 2010 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2019 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए लग गए थे। छठा, कैपिटल हिल रेसिडेंस, ये एक घर है जिसे पेड़ों के ऊपर रहने के लिए बनाया गया था। इसे बर्विका के जंगलों में मॉस्को रसिया में 2006 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2018 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए लग गए थे। सातवां, अल जनब स्टेडियम, जिसे अल वाकड़ा स्टेडियम भी बुलाया जाता है। ये एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसे अल वाकड़ा कतार में 2014 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2019 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए लग गए थे। आठवां, ब्रिज पवेलियन, ये एक कवर्ड ब्रिज के साथ साथ एक एग्जीबिशन सेंटर भी है, जिसे ज़ारागोज़ा स्पेन में 2005 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2008 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए लग गए थे। नौवां, शेख जईद ब्रिज, ये अबू धाबी यूएई में एक ब्रिज है जिसे 1997 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2010 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए लग गए थे। दसवां, बीएमडब्ल्यू सेंट्रल बिल्डिंग, ये लिप्ज़िग जर्मनी में बीएमडब्ल्यू की एक फैक्ट्री है जिसे 2001 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2005 में बनकर तैयार हुई थी, जिसकी लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। ग्यारहवां, जेएस बैच चैम्बर, ये मैनचेस्टर यूके में एक म्यूजिक हॉल है जिसे सोलो परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया था। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था और यह 2009 में ही बनकर तैयार हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।